नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में और इस सेशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है तो केनो फटते हैं वॉलकैनो फटते हैं तो लावा बाहर निकलता है लावा बाहर निकलता है तो लावे में बहुत सारी धुआं हो सकती है धुआं के अलावा क्या हो सकता है धुआं है धुआं के अलावा क्या हो सकता है मतलब सर धुआं के अलावा गैसेज हो सकती हैं हाँ तो गैसेज और धुआं चलो मान लिया कि गैस और धुआं मिलकर एरोसोल बना रही है इसलिए आप उसको धुआं कह रहे हैं और क्या हो सकता है तो ये बोला आप पहलियाँ मत बुझाओ पॉइंट बताओ क्या कहना चाह रहे हो तो पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं साथियों एक ऐसा दो में ज्वालामुखी फटा जिसका नाम टोंगा था जिसके बाद से रिसर्चर इस इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि इसका फर्क आने वाले जमानों में क्या पड़ेगा सर वॉलकैनो तो फटते रहते हैं इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है वॉलैनो फटा तो रिसर्च हो रही है कि आने वाले ज़माने में क्या होगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं चलो मैं आपको एक बार वॉलकैनो फाड़ के दिखाता हूँ कैसा था ये जो जगह देख रहे हो आप ये समुंदर है पैसिफिक ओशन है ठीक है पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से उत्तर की तरफ वाला एरिया है ये पैसिफिक ओशन के अंदर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पड़ते हैं ना अपन उस तरफ का एरिया है एक बार जरा तस्वीर देखना ध्यान से देखना ध्यान से फिर से दिखाऊ फिर से देखो फिर से दिखा क्या देखा कुछ अगर देखा हो तो खेल समझ में आ जाएगा समुंदर के नीचे से ब्लास्ट हुआ समुंदर के नीचे से ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के चलते यहां से समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी फटके आया तो जो आपको दृश्य अभी दिख रहा है ये सैटेलाइट से लिया हुआ फोटो है आप सोचिए कि यहां पर कितना जबरदस्त पानी उस पानी को ज्वालामुखी से किक मिली होगी और वो गर्म पानी उबलकर भाप बनकर ऊपर आया होगा आप कहिए हाँ लॉजिकल है इसमें कौन सी बड़ी बात है अच्छा लॉजिकल है तो बात बड़ी करते हैं चलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ज्वालामुखी के फटने से जो समुंदर के अंदर फटा इस समुंदर में फटने से साठ हजार ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर पानी भाप बन के समताप मंडल में चला गया कितना साठ हजार स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल फुल लेंथ स्विमिंग पूल इतना भरकर पानी भाप बनकर समताप मंडल में चला गया धरती से 12 किलोमीटर ऊपर उप, भाप बनकर चला गया so, समताप मंडल में तो भाप बनती नहीं है ना बन गई ना इतना तेजी से पानी आपने ऊपर फेंका और वो भाप बनकर सीधा गति पकड़ लिया गर्म हवा और अंतरिक्ष में सीधा सॉरी समताप मंडल में वायुमंडल के समताप मंडल में चला गया समझे बाकी पानी का क्या हुआ बाकी जो आसपास था वो बारिश बनकर गिरा बहुत सारी जगह पेड़ पौधों पर कीचड़ बनकर गिरा लेकिन जो आसमान में चला गया ना उस पर रिसर्च चल रही है न्यूज है टोंगो वॉलैनो कुड कॉज अनयूजल वेदर फॉर रेस्ट ऑफ डेकेड यानी आप आज 2024 में हैं, 2030 तक भी पर्यावरण को ये टोंगो जो वॉल्केनो फटा था ना ये प्रभावित कर सकता है ऐसा एक स्टडी का कहना है अब ये क्यों कहना है साहब क्या फर्क पड़ सकता है साहब साहब फर्क यह पड़ सकता है कि यह जब बालकेनो फटा तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड से बाहर निकलकर आई और जब यह बाहर निकलकर आई सल्फर डाइऑक्साइड तो यह सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल में पहुंच गई वाटर वेपर समताप मंडल में पहुंच गया वाटर वेपर ने समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन से क्रिया करके ओजोन को डिप्लीट कर दिया और ओजोन की परत जो है वो फट गई ओजोन में छेद करने में टोंगा वॉलकैनो का बड़ा योगदान कंसीडर किया गया नंबर वन नंबर दो जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलकर आई उसने सूरज की रोशनी को वहीं से प्रकीर्णित कर दिया वापस एक प्रकार से समझिए कि उसने ग्लोबल कूलिंग करने का काम किया जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग सुनते हैं ना ऐसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है सूरज का प्रकाश जो धरती पर आ गया वो वापस ना लौट पाए तो धरती गर्म हो जाती है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ऐसे ही परमाणु बम के फटने से या वॉल्केनो के फटने से जो मिट्टी या धूल ऊपर उठती है वो कई बार सूर्य के प्रकाश को नीचे नहीं आने देती इसे ग्लोबल कूलिंग कहते हैं यानी कि सूरज का प्रकाश नीचे ही नहीं आया तो वो ठंडक कर दिया लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी थी। क्योंकि अल्टीमेटली सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि वैसे ही एक नुकसानदायक गैस है तीसरा जो वाटर वेपर खुद है वो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस की पढ़ाई करते हैं तो उसमें वाटर वेपर को ग्रीन हाउस गैस के रूप में पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल की गर्मी को बढ़ाती हैं यानी कि जो धरती का तापमान है उसे ऊपर नहीं जाने देती हैं तो एक वॉल्केनो ने अभी तक अध्ययन ही अध्ययन चला रखा है डाउन टू अर्थ में पढ़ रहे हैं टोंगा कुड कॉज वेदर फॉर दी रेस्ट ऑफ द डेकेड यह नई स्टडी से पता चला है उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया कहां है टोंगा तो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है न्यूजीलैंड दिख रहा है इनके पैरल आपको यहां पर टोंगा दिखाई दे रहा है इसके पास में यहां पर होगा टोंगा करके ये वॉल्केनो है यह फटा था वर्ष 2022 के अंदर 15 जनवरी को एक जर्नल है जिसका नाम है ऑफ क्लाइमेट उसके अंदर यह न्यूज प्रकाशित हुई है और उसने कहा है कि पिछले साल जो असाधारण रूप से ओजोन के अंदर छिद्र हुआ था जिसकी वजह से अपेक्षित गर्मियों में बहुत अधिक नमी की व्याख्या की गई थी वाटर वेपर, याद में वाटर वेपर चली गई है जिसकी वजह से आने वाले समय की गर्मियों में नमी बढ़ सकती है ये इनका कहना है तो उम्मीद है आपको टोंगा समझ में आ गया कहां पर है THANKS FOR JOINING US. टोंगा की कहानी समझ में आ गई टोंगा कहां पर है तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से अगर आप इस तरफ चलते हैं ये आ, जो जो ओशन वाली जगह है इसमें है ये वाली जगह कौन सी है अगर आप इसको और ध्यान दें तो टोंगा की ये जो जगह है पर्टिकुलरली ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर पड़ती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कौन सी है समझ में आया ये वो जगह है जहां दुनिया के लगभग तेरह पोटेंशियली एक्टिव वॉल्के काम कर रहे हैं ये रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि यहां ज्वालामुखी फटते रहते हैं ज्वालामुखी फटते हैं तो पानी में ज्वाला

और इनकी वजह से थोड़ा बहुत टेम्परेचर उस समय कम हुआ लेकिन बाद में ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर्स ने बनाना शुरू किया ये हुंगा टोंगा है तो आप बस इतना से याद रख लीजिए इसके बहाने कि हुंगा टोंगा कहां है नंबर वन Volcano के इरप्शन से क्या प्रभाव पड़ता है उसके इंपैक्ट क्या है जैसे मैंने सुनामी का इंपैक्ट बताया ओजोन गैस का डिप्लेशन बताया ग्लोबल कूलिंग बताई ग्लोबल वार्मिंग बताई इसकी लोकेशन बताई बस आप इन चीजों को ध्यान रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है जब ये वॉल्केनो फटा था तो आसपास के क्षेत्रों में क्या नजारे हुए थे आप यहां देखें यहां पर फटने के बाद में सुनामी तट तक चली आई टोंगा के तट पर और यहां पर पूरा घरों को उजाड़ दी ये होता क्यों है तो इसके बारे में आपको पहले से पता है कि धरती के अंदर अगर तीन लेयर हैं, क्रस्ट है मेंटल है कोर है तो मेंटल के अंदर जो भी लावा है जिसको आप मैग्मा कहते हैं वो मैग्मा जब उबाले मार रहा होता है तो क्रस्ट को तोड़कर वो बाहर आता है तो मैग्मा का बाहर आना लावा है लावा का फटना वॉल्केनो है और वॉल्के फटते रहते हैं एक्टिव होते हैं डोरमेंट होते हैं यानी जो लगातार फट रहा होता है वो एक्टिव वॉलकैनो होता है नियमित रूप से फट रहा होता है फिर सुसुप्त प्रकार के वॉलकैनो भी होते हैं लेकिन ये एक एक्टिव वॉलकैनो के रूप में फटा जिसकी वजह से इतना पानी अंतरिक्ष में भाप बनकर चला गया पंद्रह से बीस किलोमीटर चालीस किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पानी पहुंच गया जिसकी वजह से ये सारा प्रभाव देखा गया तो वाष्प का अवलोकन हुआ समझदारी से मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी है फिलहाल के लिए तो इतना ही है ठीक है साहब तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी जानकारी समझ में आई हो तो साथियों के साथ साझा करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां जोग्राफी में वॉल्केनो कैसे बनते हैं भूकंप कैसे आते हैं अर्थ की स्ट्रक्चर क्या है वॉलकैनो कहां पर आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या ये सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं मेरे फाउंडेशन बैच में जो कि उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जिसका लिंक है कमेंट बॉक्स में मात्र 1499 में रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है जाकर उसे पूरी एक साल की वैलिडिटी के साथ ले लें और हाँ इंपॉर्टेंट बात उसमें जो पढ़ाया हुआ है वो पूरा हाथ से अपने नोट्सों में लिखकर मैंने मात्र छः किताबों का एक सेट बनाया हुआ है हैंड रिटन नोट्स का उसे आप मात्र वन ट्रिपल नाइन में अपने घर पर सात दिन के अंदर कुरियर से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है वो भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है जाकर ऑर्डर करें फिलहाल के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें धन्यवाद